और बुल्ढाना से एक सनसनी खबर सामने आई है। यहाँ के बुल्ढाना में बीती शुक्रवार देर रात भयानक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार नागपुर से पुणे जा रही एक बस खंभे से टकराकर सीधे डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई, जिससे उसमें आग लग गई। वहीं इस बस में 32 लोग सवार थे, जिसमें 26 के जलने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वही 8 लोगों ने जैसे तैसे बस की खिड़की का शीशा तोड़कर जान बचाई, लेकिन इनमें से एक अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। उक्त हादसा बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा के पास पिंपलकुटा गांव के पास समृद्धि हाईवे पर हुआ। इस हादसे के समय देर रात बस के अंदर सभी सो रहे थे। जब आग लगी तो यह लोग संभल भी नहीं पाए। इसमें 26 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, वहीं 8 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। मामले पर बुल्ढाना SP सुनील कडासने ने जानकारी दी कि सुबह 1:35 पर नागपुर से पुणे जा रही एक निजी बस का नियंत्रण बिगड़ने के कारण यह हादसा हुआ। बस चालक का कहना है कि टायर फटने के कारण नियंत्रण बिगड़ा, जिसके बाद डीजल टैंक फूटा और आग लग गई। इस हादसे में मरने वालों में 3 बच्चे और अन्य वयस्क है। शव की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने की कार्रवाई जारी है। इस घटना के बाद समृद्धि महामार्ग हाईवे को मौत का हाईवे करार दिया जा रहा है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बुल्ढाना।